नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 से संबंधित चयन बोर्ड ने एक नई नोटिस जारी की है। टीजीटी पीजीटी 2020 से संबंध यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा विज्ञप्ति डेटेड 7/12/2020 रिगार्डिंग रिक्रूटेशन ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी। ये 7/12/2020 आज रात में ही विज्ञप्ति जारी हुई है। अब विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये विज्ञप्ति हमने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर 7/12/2022 की डेट देख पा रहे होंगे। लिखा है सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन के दृष्टिगत एक ही परीक्षा में तदर्थ एवं फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने हेतु जीव विज्ञान विषय को विज्ञान विषय में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन संख्या 1/2020 विज्ञापन संख्या 2/2020 एवं पीजीटी के जो विज्ञापन थे ये इनको 18/11/2020 को निरस्त कर दिया गया। आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पिछला विज्ञापन है 29 अक्टूबर को जो जारी हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर नीचे लिखा है चयन बोर्ड के संज्ञान में ये आया है कि दिनांक 8/11/2019 तक ऑनलाइन प्राप्त विज्ञान विषय के अध्याचन में जीव विज्ञान विषय की रिक्ति को भी शामिल किया गया है। विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में ही जीव विज्ञान समाहित है। जीव विज्ञान विषय को विज्ञप्ति में सम्मिलित करने के लिए पूर्व में प्राप्त विज्ञान विषय के अध्याचन को निरस्त करके विज्ञान एवं जीव विज्ञान का अलग अलग ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अब ऐसे में ये कहा गया है कि इसके लिए जो पोर्टल है 8/12 से लेकर के 15/12 तक फिर से खोला गया है। इस डेट के दौरान जो सभी विद्यालय हैं वो अपना अलग अलग जो अध्याचन है वो भेजें। अब अगर आपको ना समझ में आए तो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों कि 8/11/2019 तक यानी पिछले साल ऑनलाइन अध्याचन मंगाया गया था कि सभी विद्यालय में कितने कितने पद खाली हैं। तो बहुत से कॉलेजों ने क्या किया है कि जो जीव विज्ञान के पद है उनको भी विज्ञान में भेज दिया है और जो विज्ञान के पद है उनको भी विज्ञान बना करके भेज दिया है। लेकिन भर्तियां आप लोग जानते हैं अलग अलग होनी है। विज्ञान की भर्ती अलग होगी, जीव विज्ञान की भर्ती अलग होगी। ऐसे में अब चयन बोर्ड बड़ी मुश्किल था क्या किया जाए। अध्याचन तो पहले ही मिक्स होकर के आ गया है तो चयन बोर्ड ने अब एक हफ्ते के लिए फिर से ऑनलाइन अध्याचन की वेबसाइट खोली है और सभी जो विद्यालय हैं सभी DIO से उनको दिशा निर्देश दिया है कि इस बार ऑनलाइन अध्याचन जब भेजें तो विज्ञान विषय के पद अलग रखें और जो जीव विज्ञान उसके पद अलग रखें। अलग अलग भर्ती होगी तो अलग अलग पदों को भी यहाँ पर ब्यौरा होना चाहिए कि किस कॉलेज में विज्ञान के कितने पद रिक्त हैं और जीव विज्ञान के कितने पद रिक्त हैं। इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया गया 15/12/2020 तक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो पोर्टल खोला गया सिर्फ विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए ही खोला गया, अन्य किसी विषय के अध्याचन के लिए पोर्टल नहीं खोला गया है। तो दोस्तों ऐसे में अब ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये हो सकती है कि विज्ञापन में थोड़ा सा देरी भी हो सकती है क्योंकि 15/12/2020 तक जब ऑनलाइन अध्याचन मंगाया जाएगा उसके बाद बहुत से विद्यालय नहीं देंगे क्योंकि हर बार यही होता है कि बहुत से विद्यालय जो है ब्यौरा नहीं भेजते हैं, दोबारा से डेट बढ़ती है। पिछली बार भी 3-4 बार डेट बढ़ी थी तो हो सकता है इस बार भी डेट बढ़े। और जब डेट बढ़ जाएगी, मान लो डेट नहीं भी बढ़ी, 15/12 तक सभी पदों का ब्यौरा आ गया, इसके बाद ये डाटा जाएगा फीडिंग में NIC के पास जाएगा डाटा। NIC से फिर ये इसका जो है कहीं सर्वर हो सकता है अपडेट किया जाए। तो कहने का मतलब मुझे लगता है अब विज्ञापन में कई महीने के अंत तक खिसक ना जाए, यानी दिसंबर के अंत तक कहीं विज्ञापन खिसक ना जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये अपडेट है, जो उम्मीदें थी कि 20 तक विज्ञापन जारी हो जाएगा अब मुझे उम्मीद यहाँ पर नहीं दिख रही है, थोड़ा सा विज्ञापन आगे बढ़ सकता है। तो ये हो गई अपडेट आज की। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।